अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम शोएब अंजुम। आज की वीडियो में मैं आपको बी अबाउट टू और बी श्योर टू का यूज बताऊंगा। दोनों में कुछ डिफरेंस है, लेकिन दोनों फ्यूचर टाइम शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। सबसे पहले बी अबाउट टू का यूज देखते हैं। बी अबाउट टू नियर फ्यूचर को शो करता है, मतलब मुस्तकबिल करीब, चंद मिनटों बाद क्या होने वाला है या मैं क्या करने वाला हूँ। फ्यूचर टाइम शो करने के लिए हम विल और शल का यूज करते हैं। मैं बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियोस में। जैसे एक सेंटेंस, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, लेकिन इस सेंटेंस से ये नहीं पता चलता है कि मैं मुंबई कब जाऊंगा। उसके लिए हमें अलग अलग फ्रेजेस ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आई विल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा, या आई विल गो टू मुंबई आफ्टर वन वीक, आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते या एक हफ्ते बाद मुंबई जाऊंगा। तो विल और शल फ्यूचर टाइम शो करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो नियर फ्यूचर शो करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नियर फ्यूचर मुस्तकबिल करीब, कुछ मिनटों बाद क्या करने वाले हैं हम, वो बताने के लिए मैं इससे पहले एक फ्रेज बता चुका हूँ, बी गोइंग टू। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल, मैं एक न्यू मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। तो जिस तरह बी गोइंग टू नियर फ्यूचर शो करता है, इसी तरह बी अबाउट टू भी नियर फ्यूचर शो करता है कि क्या काम होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ। आइए फॉर्मूला इसका और एग्जांपल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बी के फाइव फॉर्म्स है, मैं बता चुका हूँ, इज, एम, आर, वॉज और वर। यहाँ पर हम इज, एम, आर में से यूज करेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। फर्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। द ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद इज अबाउट टू, ये हो गया बी अबाउट टू, उसके बाद अराइव, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ट्रेन आने वाली है कुछ मिनटों बाद, ये हो गया नियर फ्यूचर। सेकंड, द शॉप इज अबाउट टू ओपन, दुकान खुलने वाली है, ये भी नियर फ्यूचर शो कर रहा है। थर्ड, ऑडियंस आर सिटिंग एंड द परफॉर्मेंस इज अबाउट टू स्टार्ट, ऑडियंस बैठी हुई है और परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मेंस हो सकता है, किसी भी ड्रामे का या डांस परफॉर्मेंस, ऑडियंस बैठी हुई है और परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। फोर्थ सेंटेंस, दे आर जस्ट अबाउट टू कम, यहां मैंने यूज कर लिया है जस्ट। अगर हमें और ज्यादा नियर फ्यूचर शो करना है तो बी अबाउट टू में जस्ट ऐड करने से वो और ज्यादा नियर फ्यूचर हो जाएगा। दे आर जस्ट अबाउट टू कम, वो बस आने ही वाले हैं। द शॉप इज जस्ट अबाउट टू ओपन, शॉप बस खुलने ही वाली है। इस तरह जस्ट ऐड करके हम और ज्यादा नियर फ्यूचर शो कर सकते हैं। तो यह था बी अबाउट टू, जो नियर फ्यूचर शो करता है। दूसरा फ्रेज है बी श्योर टू। बी श्योर टू का यूज हम उस वक्त करते हैं जब हमें यकीन हो कि ऐसा जरूर होगा, उस वक्त हम बी श्योर टू यूज करते हैं फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करने के लिए कि ऐसा जरूर होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस बी श्योर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस, यू आर श्योर टू सक्सीड, मीन्स आई एम श्योर दैट यू विल सक्सीड, यू विल सर्टनली सक्सीड, तुम जरूर कामयाब होगे। यहाँ सर्टनिटी है, मतलब हमें यकीन है, हम श्योर हैं कि ऐसा जरूर होगा। सेकंड, दिस स्कीम इज श्योर टू फेल, ये स्कीम जरूर फेल होगी। थर्ड, द वेदर इज श्योर टू बी बेटर टुमारो, कल मौसम जरूर अच्छा रहेगा। फोर्थ सेंटेंस, इट इज श्योर टू हैपन, ऐसा जरूर होगा। फिफ्थ, he is sure to buy a new bike, वो न्यू बाइक जरूर खरीदेगा। I am sure that he will buy a new bike, he will certainly buy a new bike। तो ये था बी अबाउट टू और बी श्योर टू का यूज। बी अबाउट टू का यूज हम करते हैं नियर फ्यूचर के लिए, और बी श्योर टू का यूज हम उस वक्त करते हैं जब हम 100% श्योर होते हैं कि ऐसा होगा, इट विल हैपन। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।